हमारे देश का सबसे पहला जंतर मंतर है, यानी कि एक ऐसी मशीन जिसमें 300 साल पहले लोग यहाँ पे टाइम देखा करते थे, तारीख देखा करते थे। यहाँ इसके ऊपर जो है ये नंबर्स डले हुए हैं और इसी के अकॉर्डिंग ही जो सूरज, सितारे हैं और अलग अलग जो पिंड हैं उनके एंगल्स, हाइट वगैरह। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग हैं सीपी यानी कि कनॉट प्लेस में और यहाँ पर है जंतर मंतर के अंदर। जंतर मंतर अपने आप में इतिहास में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे देश के अंदर। तो सबसे पहले बात करते हैं इसको बनाने की। तो जंतर मंतर का जो बनाने का काम है वो आज से 300 साल पहले यानी कि 17वीं शताब्दी में 1724-25 के आसपास की गई थी। वो भी की गई थी जयपुर के राजा सवाई जयसिंह के द्वितीय के द्वारा। तो भाई सबसे इम्पॉर्टेंट खास बात क्या है कि जयसिंह द्वितीय के नाम के आगे सवाई का जो ये सरनेम है, ये जो उपाधि है, ये मुगल बादशाह औरंगजेब के द्वारा एक तरीके से गिफ्ट के रूप में दिया गया था। एक उपाधि दी गई थी जयसिंह द्वितीय को कि भाई आप जो है आपको जो है सवाई के नाम से बुलाएंगे। सवाई क्यों? क्योंकि जयसिंह जो द्वितीय थे वो अपने आसपास के जितने भी राजाएं थे उनसे सवा गुणा ज़्यादा ताकतवर, ज़्यादा शक्तिशाली, ज़्यादा बुद्धिमान थे। और अगर बात करें कि इन राजा ने, सवाई राजा ने यानी कि जयसिंह द्वितीय ने इस जंतर मंतर का आविष्कार क्यों करवाया, इन्होंने क्यों बनवाया इसको, तो उसके पीछे बड़ा ही इंटरेस्टिंग रीज़न है। क्योंकि ये पहले राजा थे हिंदुस्तान के जिनको, हिंदू राजा पहले थे जिनको जो है मैथ्स के अंदर बड़ा ही इंटरेस्ट था, खगोल शास्त्र के अंदर बड़ा ही इंटरेस्ट था, ग्रहों के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो इसलिए इन्होंने जंतर मंतर की स्थापना करवाई और जो हमारे देश का जो सबसे पहला जंतर मंतर है वो दिल्ली में यानी कि सीपी में बनाई गई थी, जो आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं ज़रा मेरे साथ, चलिए। जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये हमारे देश का सबसे पहला जंतर मंतर है, यानी कि एक ऐसी मशीन जिसमें 300 साल पहले लोग यहाँ पे टाइम देखा करते थे, तारीख देखा करते थे और ग्रहों की दिशाओं के बारे में जाना करते थे। तो फर्स्ट जो जंतर मंतर है यानी कि ये जो स्ट्रक्चर है वो हमारे दिल्ली में बनाई गई है। बाकी हमारे देश के अंदर ऐसे 5 जंतर मंतर बनाए गए हैं जो मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहला दिल्ली में, फिर जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी, ये 5 ऐसी जगह हैं जहाँ पर जंतर मंतर बनाए गए हैं। तो जो आप मेरे सामने देख रहे हैं इस चीज़ को बोलते हैं मिश्र यंत्र, जिसे काफ़ी लोग इसे जंतर मंतर के नाम से बोलते हैं। जंतर मंतर मतलब पूरे हिस्से का नाम है। यहाँ पे 4 पार्ट में डिवाइडेड है, ये चारों पार्ट दिखाऊंगा मैं आपको। तो इस हिस्से को बोलते हैं मिश्र यंत्र, जिसमें से पुराने ज़माने में यानी कि लगभग 300 साल पहले जो है इसके अंदर 4 अलग अलग देशों के समय एक साथ देखा करते थे। इसके ऊपर ये जो आप संगमरमर का पत्थर देख रहे हो ना, इसके ऊपर जो है ये नंबर्स डले हुए हैं, वो मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि हाँ ये देखिए, ये दिख रहे होंगे आपको छोटे छोटे, ये जो जिस तरीके से स्केल के अंदर देखो आप, यहाँ पे जिस तरीके से स्केल के अंदर जो नंबर डले हुए होते हैं वैसे यहाँ पे नंबर डले हुए हैं। और ये पूरे में है, इस तरफ से जहाँ जहाँ सफ़ेद सफ़ेद आपको पत्थर दिख रहे हैं, इस पूरे पत्थर के अंदर इस तरीके से नंबर दिखे गए हैं जो कि डिग्रियों के हिसाब से समय बताया करते थे उस ज़माने में। और तो और हमारे जो ग्रह होते हैं उनकी दिशाएँ बताया करते थे कि भाई कौन सा ग्रह किस दिशा में है। तो भाई देख लो, 300 साल पहले का इतिहास है ये कि 300 साल पहले लोग इतने इंटेलिजेंट थे, इतने होशियार थे जो ऐसी ऐसी चीज़ें बना करके गए हैं। भाई साहब सैल्यूट है उन लोगों को। तो अभी हम लोग इस मिश्र यंत्र के पीछे वाले हिस्से में, जिसे आप लोग और काफ़ी लोग जो है सिर्फ जंतर मंतर के नाम से जानते हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जंतर मंतर जो है एक सांस्कृतिक वर्ड, जो संस्कृत का एक वर्ड है तंत्र मंत्र, उससे बना ये जंतर मंतर। तो जंतर मंतर कहने का मतलब सिर्फ ये इमारत नहीं है बल्कि यहाँ पे 4 पार्ट में डिवाइड है, 4 अलग अलग चीज़ें हैं, उन सभी को मिलाकर बोलते हैं जंतर मंतर। तो अभी मैंने आपको फ्रंट से दिखाया था और ये बैक का हिस्सा है ये। तो क्या करते थे पुराने ज़माने में, आई थिंक यहाँ से सीढ़ियाँ बनाई गई हैं ऊपर चढ़ने के लिए। और ये जो सारा का सारा जो सिस्टम है, ऊपर चढ़ने के बाद जो है क्या होता था, सूरज की रोशनी के अकॉर्डिंग जो है इनके ऊपर छाया और जो परछाई वगैरह बनती थी, और डिग्रियों के अकॉर्डिंग और लाइनों के अकॉर्डिंग जो है सुबह और शाम के जो वक्त हैं वो बताए करते थे उस ज़माने के अंदर। अब देख सकते हो अभी तो हम बड़ी आसानी से टाइम देखकर बता सकते हैं घड़ियों के अंदर, लेकिन उस ज़माने में इतना दिमाग लगाने के बाद ऐसी एक मशीन बनाई गई। एक मशीन ही है एक तरीके से, जिसके अंदर, जिस वजह से हम लोग उस ज़माने के अंदर जो लोग थे वो टाइम और समय वगैरह और डेट वगैरह देखा करते थे। Thank you.
तो भाई ये जो आप देख रहे हो इसे बोलते हैं जयप्रकाश यंत्र। इसका जो यूज़ है उस टाइम पे सितारों की गतिविधियों को नापने के लिए किया जाता था, और कई आर्कियोलॉजिस्ट का मानना था कि इसी यंत्र से राशियां भी निकाली जाती थी उस ज़माने के अंदर। जो कि राशियों के निशान तो अभी मिट चुके हैं, आप लोग देख सकते हो, मैं अंदर जाके तो नहीं दिखा सकता, अलाउड नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो निशान वगैरह पड़े हुए हैं, ये अर्धगोले दो जो है हेमिस्फीयर बनाए गए हैं, एक इधर से और एक उस तरफ से, ठीक है जी। तो और इनका जो डायमीटर है वो करीब करीब 27 फिट है, तो आप समझ सकते हो कितना बड़ा है ये साइज़ में। और इसी से ही जो है राशियों वगैरह जो जाना करते थे उस ज़माने के अंदर। ये है जयप्रकाश यंत्र, जैसे कि मैंने आपको भी बताया है, एक मेरे लेफ्ट में है इस तरफ अर्धगोले शेप में, हेमिस्फीयर के शेप में, और एक है मेरे इस तरफ जयप्रकाश यंत्र। और इन दोनों के का जो यूज़ है वो मैंने आपको बता दिया है, तारों की गतिविधियों को नापने के लिए, सूरज की गतिविधियों को नापने के लिए किया जा सकता है। तो ये जो पूरा पूरा स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, इसे बोलते हैं राम यंत्र, जिसका इस्तेमाल, जिसका जो यूज़ है वो सूरज और सितारों की दिशाओं को नापने के लिए और उसकी हाइट को नापने के लिए किया जाता था। अब कैसे नापते थे, इसके अंदर एक जो है एक पिलर देख सकते हो आप इसके अंदर, तो जैसे सूरज की रोशनी पड़ती थी तो इन पिलर की परछाई की वजह से ही पहले हम ये इमेजिन करते थे, ये जान पाते थे कि सूरज और सितारे या फिर दूसरे पिंडों की जो हाइट कितनी है, ऊंचाई कितनी है, इन सभी चीज़ों को जानने के लिए जो है इस राम यंत्र का आविष्कार किया गया था। तो चलिए दिखाते हैं आपको थोड़ा सा अंदर का नज़ारा। गिर जाओगे, ये देख लो आप, ये जो पिलर है इसके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती है और इसकी परछाई की वजह से ही जो है हम ये जान पाते थे कि हाइट कितनी है सूरज की, सितारों की, और ये सारी चीज़ें होती थी। ये जो आप चारों तरफ आप इसमें एक कांटेदार जो डिज़ाइन आप देख सकते हो, ये ऐसे नहीं बनाए गए, इन सभी का यूज़ था कि भाई शैडो जो है, जो परछाई है, वो कौन से इस जो है ये जो खांचे बने हुए कौन से खांचे पर पड़ रही है, उसी के अकॉर्डिंग ये जो है अंदाज़ा लगाते थे। जो राम यंत्र है, जिस तरीके से प्रकाश यंत्र को दो 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 प्रकाश यंत्र बने हुए हैं, वैसे राम यंत्र भी दो दो बने हुए हैं, एक इस तरफ है और एक इस तरफ है। तो वहाँ पे तो मैं ढंग से दिखा नहीं पाया, लेकिन मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये जो पटरियाँ बनी हुई है ना, इसके ऊपर नंबर डले हुए हैं, देखो शायद दिख जाए, यहाँ इसके ऊपर जो है ये नंबर्स डले हुए हैं, और इसी के अकॉर्डिंग ही जो सूरज सितारे हैं और अलग अलग जो पिंड हैं उनके एंगल्स हाइट वगैरह ये नापा करते थे। देख लो तो भाई फाइनली पूरा व्यू दे चुका हूँ मैं आपको कि जंतर मंतर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। अब हम बात कर लेते हैं ओपनिंग क्लोजिंग टाइम की। तो जो ओपनिंग टाइम है, ये जो पार्क है यानी कि जंतर मंतर है, वो सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक ओपन है सीपी के अंदर, तो सीपी में आप आ सकते हैं। नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन की बात करें तो राजीव चौक जनपद, ये जो है नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है, आप यहाँ से आ सकते हैं। इसके अलावा टिकट प्राइस की बात करें तो भैया ये है यहाँ की टिकट, जो कि 20 रुपये पर हेड है अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो, और अगर आप ऑफलाइन लेते हैं तो टोटल 25 रुपये की टिकट है। तो इससे बेहतर है आप पेटीएम वगैरह से खुद से ही पे करके आप जो है पैसे टिकट ले लें और 5 रुपये बचा सकते हैं, क्योंकि आप पेटीएम वगैरह ऑनलाइन करते हो तो देखो, एक तो आप भीड़ से बच जाओगे और 5 रुपये आपके बच जाएंगे, ठीक है जी। तो ये टिकट हमारी, ये वाली जो टिकट है ये है 25 रुपये की, और अगर आप, मैंने एक ऑनलाइन टिकट ली है तो वो है हमारी 20 रुपये की। तो बस यही था जंतर मंतर के अंदर, क्योंकि इसके अंदर जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें थी वो मैंने आपको दिखा दी, बता दी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी फिर मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में, जब तक के लिए चैनल पर बने रहें।